हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू एसएस क्लासेस। टुडे आई विल डिस्कस द बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, विच इज़ द टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ के चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस कर लिया था। एनिमल टिश्यूज़ में हम लोगों ने दो टिश्यूज़ डिस्कस कर लिए थे, जो थे एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़, क्योंकि यही दोनों हम लोग के टिश्यूज़ बाकी थे। तो बच्चों, आप लोग को पता है मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं एंड नर्वस टिश्यूज़ क्या होते हैं? एनी गेसेस? नहीं पता है तो जल्दी से जान लीजिए कि जो मसल्स टिश्यूज़ होते हैं ना, वो मसल से मिलके बने होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ मसल्स। ऐसे टिश्यूज़ जो मसल से मिलके बने होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं। दीज फॉर्म द फ्लैश ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी जो बॉडी का मास होता है ना, उससे मिलके बने होते हैं। और ये बने होते हैं लंबे फाइब्रसस कॉन्ट्रैक्टाइल सेल से, जिसको हम लोग मसल्स फाइबर्स बोलते हैं। ईच मसल्स फाइबर इज फॉर्म ऑफ हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफाइबर्स। और ये जो मसल्स फाइबर्स होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफाइबर्स से मिलके बने होते हैं। ये मायोफाइबर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर मायोफाइबर्स प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है। ओके, तो आपने जो रेंगने वाले कीड़े देखे होंगे, या फिर आप लोगों ने मटर के जो छीमी बोलते हैं ना उसे, तो पी के जो जो फली होती है उससे जब आप लोगों ने कभी छीला होगा या कभी मम्मी ने छीला होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें से जो ग्रीन कलर का कीड़ा निकलता है, ठीक है। तो वो कैसे चलता है आपको पता है ना, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके, सिकोड़ के अपने आप को और रिलैक्स करके चलता है। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है मस्कुलर टिश्यूज़ का। उसके जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, लगातार कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, रिलैक्सेशन कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, चल पा रहा है। तो मस्कुलर टिश्यूज़ का वो एक बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग उससे समझ सकते हो, अगर आप लोग के ध्यान में वो चीज़ होगी तो, वो इंसेक्ट होगा तो वो भी क्या होता है, मस्कुलर टिश्यूज़ का एग्जाम्पल है। तो मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो एस मसल से मिल के बने होते हैं, और वो क्या होते हैं, उनके अंदर ऐसी इलास्टिसिटी होती है जिससे वो अपने मास को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड रिलैक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो थ्री बेसिस के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्ट्राइरेटेड, ठीक है, दूसरा होता है नॉन स्ट्राइरेटेड, तीसरा होता है कार्डियक। स्ट्राइरेटेड मतलब वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल, ठीक है। नॉन स्ट्राइरेटेड मतलब इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल। एंड कार्डियक मसल्स, कार्डियक की भी बात हो तो आप लोग को जान लेना है कि हार्ट के बारे में बात हो रही है ना। तो कार्डियक मसल्स की बात हो रही है तो वो हार्ट में प्रेजेंट होता है ओनली, ठीक है। तो स्ट्राइरेटेड मसल्स की देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपको, ये यहाँ पर जो है डायग्राम दिया गया है स्ट्राइरेटेड मसल्स का, आप लोग को कितनी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ये बंडल के रूप में, शेप के रूप में क्या है, प्रेजेंट है। नॉन स्ट्राइटेड मसल्स जो हैं उनका क्या है, उनका में ये देखिए आप लोग कि वो क्या होते हैं, उनके अंदर एक सिलेंडर शेप के हैं, सिलेंडर शेप के हैं, और उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। और कार्डियक मसल्स जो होते हैं उनके अंदर इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। तभी तो हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर जो मास प्रेजेंट होता है कार्डियक मसल, वो क्या करता है, हमारे हार्ट को क्या करता है, लगातार कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन में हेल्प प्रोवाइड करता है। तो फंक्शन क्या है मस्कुलर टिश्यूज़ का, ये तीनों जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं उनका क्या फंक्शन है, अभी हम लोग नीचे देखेंगे उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन क्या है, लोकेशन कहाँ है। ओके, तो मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी के मूवमेंट में मस्कुलर टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लोकोमोशन में देखा होगा आप लोगों ने, अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, पी इंसेक्ट का एग्जाम्पल बताया था, जो मटर के पौधे में प्रेजेंट होता है या उसकी फलियों में प्रेजेंट होता है। वो कैसे चलता है, वो अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके मूवमेंट करता है। तो ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड, एलिमेंट्री कैनल, दे ऑल्सो हेल्प इन पंपिंग ऑफ ब्लड और ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब यहाँ पर जो पंपिंग ब्लड की बात की गई वो क्या है, कार्डियक मसल्स है, जो क्या करता है, ब्लड पंप करता है ऑल ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्राइरेटेड और वॉलेंट्री मसल्स की। तो स्ट्राइरेटेड मसल्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं बोन से, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं ये उनसे अटैच्ड होते हैं, इनका लोकेशन जो है ये वहीं पर प्रेजेंट होंगे, कहाँ पर, बोन्स में। स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, ये फाउंड एज बंडल, अभी मैंने बताया आपको ये बंडल के रूप में पाए जाएंगे, है ना। लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल फाइबर, ये लंबे लंबे होंगे और सिलेंड्रिकल फाइबर्स होंगे। हैव लाइट एंड डार्क, कहीं पर ये लाइट होंगे, कहीं पर ये डार्क होंगे, और कलर्ड बैंड्स हो सकते हैं जिसे हम स्ट्रिएशंस बोलते हैं, ठीक है, स्ट्राइएशन बोलते हैं। फंक्शन क्या है इनका, ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में, बोन की मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं, और बॉडी पार्ट्स जो होते हैं इनके हेल्प करता है लोकेशन में, लोकोमोशन में। लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट होता है, चलना फिरना, है ना।
तो यहाँ पर क्या है, मूवमेंट का मतलब होता है अपनी एक पर्टिकुलर जगह पे मूवमेंट करना, और लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। ओके, तो यहाँ पर नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स की बात करें, जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, उसका लोकेशन जो होता है ये वॉल में पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं और यूरिनरी ब्लडर में प्रेजेंट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो शीट टाइप होता है, स्पिंचर टाइप होता है, लाइक स्पिंचर विच इज़ द स्पाइनल शेप एंड लॉन्ग फाइबर्स, नो डार्क एंड लाइट बैंड्स। इसमें कोई डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं होते हैं, ये एक जैसे होते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था नॉन स्ट्राइटेड ये कैसे हैं, ये सिलेंडर का रूप है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं, लार्ज नंबर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन जो होता है ये हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ फूड एंड यूरिन। ये मूवमेंट किसका करते हैं, फूड का एंड यूरिन का, हमारी बॉडी में सप्लाई करते हैं। थर्ड हम बात कर लेते हैं कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, ठीक है, हार्ट की वॉल में, इन द वॉल ऑफ हार्ट। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये फाउंड एज ए नेटवर्क, ये नेटवर्क के रूप में प्रेजेंट होते हैं ना, बहुत एसेंशियल नेटवर्क होता है इनका। ये सिलेंड्रिकल हो सकते हैं या फिर ब्रांच फाइबर से मिलकर बने हो सकते हैं, ये लाइट एंड डार्क बैंड्स हो सकते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, ये हेल्प करते हैं पंपिंग द ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये ब्लड्स को जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचाते हैं, पंपिंग करने का काम करते हैं। तो ये सारे जो थे मसल्स टिश्यूज़, वो आपको क्या ध्यान रखना है कि मसल टिश्यूज़ मेड अप ऑफ मसल्स, एंड दीज आर क्या होते हैं, ये मायोफाइब्रिल से मिलके बने होते हैं, और ये मायोफाइब्रिल जो होते हैं वो हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, और ये थ्री टाइप के होते हैं, स्ट्रेटेड वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री मसल्स, एंड कार्डियक हार्ट मसल्स। आप लोग को इतनी चीज़ें तो याद करके रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलिए पढ़ते हैं नर्वस टिश्यूज़ के बारे में। तो नर्वस टिश्यूज़ क्या होते हैं बेटा, नर्वस टिश्यूज़ मतलब जो हमारे नर्व सेल में प्रेजेंट हो, है ना, जो जो हमारे नर्व सेल में प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग नर्वस टिश्यूज़ बोलेंगे। नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस लाइफ ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं ना वो बहुत सारे फंक्शन में हेल्प करते हैं, जो हमारी लाइफ की डेली की एक्टिविटीज़ होती किसी ऑर्गेनिज्म की, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। इट इज़ अ मेड अप ऑफ नर्व सेल, ये नर्व सेल से मिलके बने होते हैं, और नर्व सेल जो होती है वो न्यूरॉन्स, लाइक न्यूरॉन से मिलके बने होते हैं। न्यूरॉन का काम क्या होता है आपको बता देती हूँ, इसका काम होता है मैसेज को कंडक्ट करना, ठीक है। ईच न्यूरॉन हैज़ थ्री पार्ट्स, प्रत्येक जो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो थ्री टाइप्स के होते हैं, उनमें थ्री पार्ट्स होते हैं, लाइक सेल बॉडी साइटॉन बोलते हैं, ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस जिसे हम एक्सॉन बोलते हैं, शॉर्ट प्रोसेस जो होता है एराइजिंग होता है साइटॉन में, उसे हम लोग डेंड्रॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है, ये नर्व सेल का डायग्राम है, ये नर्व सेल भी बोल सकते हैं और न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर नर्व सेल जो डायग्राम आपको दिखाया गया है उसमें आपको ये जो एक्सॉन दिखाई दे रहे हैं, ये सारा जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है 1 2 3 4 5 वो क्या है, एक्सॉन है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सॉन की एंडिंग दी हुई है, मतलब यहाँ पर एक्सॉन क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं ना, ये सिलेंड्रिकल पार्ट में, ये सिलेंड्रिकल सिलेंडर जैसे शेप में होते हैं। डेंड्रॉन जो होते हैं वो क्या है, यहाँ पर डेंड्रॉन जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, मतलब थोड़े छोटे होते हैं, और ये साइटॉन से निकले हुए होते हैं। ये क्या है, बॉडी के साइटॉन, ये जो साइटॉन है ना बीच वाला पार्ट, ये साइटॉन है, साइटॉन से निकले हुए क्या होते हैं, डेंड्रॉन होते हैं, है ना। और यहाँ पर साइटॉन क्या है, साइटॉन जो होता है वो सेल बॉडी होता है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, है ना। ये हमारे नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आप लोग को आगे भी काम आने वाला है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लो। तो नर्व सेल की बात करें तो यहाँ पर एंड जो होता है डेंड्रॉन्स का वो डिवाइडेड होता है फाइन प्रोसेस और डेंड्राइट्स, एंड टर्मिनल एंड जो होते हैं एक्सॉन के उनको कंस्ट्रक्टेड करते हैं डेंड्राइट्स अदर न्यूरॉन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जो कनेक्शन होता है हमारे सिनेप्स में एक्सॉन में, बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बंडल के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग नर्व बोलते हैं। लोकेशन क्या होती है नर्व टिश्यूज़ की, नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में एंड सेंस ऑर्गेन में प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गेन में प्रेजेंट होंगे। ओके, तो वर्किंग ऑफ न्यूरॉन्स, कैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं, डेंड्राइट्स जो होते हैं रिसीव करते हैं इंपल्सेस और मैसेज। जो डेंड्राइट्स होते हैं ना, यहाँ पर आपको डेंड्राइट्स जो दिखाए गए हैं ये वाले डायग्राम में, ये डेंड्रॉन जो होते हैं डेंड्राइट्स से मिलकर बने होते हैं, ये क्या करते हैं, मैसेज को कंडक्ट करते हैं, मैसेज लेते हैं इंपल्स में, और फिर क्या करते हैं, फ्रॉम एक्सॉन, एक्सॉन से उसको एडजेसेंट न्यूरॉन तक पहुँचाते हैं थ्रू द स्नेप्स, एंड फिर ट्रांसफ़र होते हैं साइटॉन में। अब ये एक्सॉन जो होते हैं ना वो रिसीव करते हैं इंपल्सेस को साइटॉन से, एंड फिर ये पासेस आउट होते हैं एडजेसेंट न्यूरॉन में। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में क्या होता है कि जो न्यूरॉन जो होते हैं वो मैसेज को कंडक्ट करते हैं, तभी हमें समझ में आता है कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है ना। तो फंक्शन क्या है नर्वस टिश्यूज़ का, नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं, एंड ये डिटैच चेंज द इन्वायरमेंट कॉल्ड स्टिमुलस एंड सेंड द मैसेज टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड
फ्रॉम नर्व इम्पल्सेस, कि नर्व इम्पल्सेस के थ्रू जो है क्या करते हैं, सेंड करते हैं मैसेज को हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड या फिर स्पाइनल कॉर्ड से। ये अप्रिशिएट होते हैं रिस्पॉन्स, ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं। लाइक नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं वो हेल्प करते हैं कम्युनिकेटिंग द मैसेज थ्रू द नर्व्स, हमारे नर्व से मैसेज लेकर हमें क्या करते हैं, बताते हैं कि हमारे दिमाग में ये सब सोच रहे हैं। जो हम लोग फटाफटा इतना जल्दी सोच लेते हैं वो क्यों, उस वजह से होता है बिकॉज ऑफ नर्वस टिश्यूज़, क्योंकि हमारी नर्वस टिश्यूज़ जो होती हैं वो इम्पल्स, उनमें जो इम्पल्सेस होती हैं वो मैसेज को इतनी जल्दी कंडक्ट करती हैं जितना हम जल्दी हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। तो अगर आपको इसमें कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप लोग SS क्लासेस साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।